चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम हाजिर है फिर से एक नए सेशन के साथ में, और आज हमारा प्रैक्टिस का अगर मैं बात करूं यहां पे तो सेशन नंबर 16 यहां पे कंप्लीट होने जा रहा है। क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ ही अगर मैं बात करूं यहां पे आपकी क्लासेस की, क्लासेस सुबह आपकी 8 बजे स्टार्ट हो जाती है और आपकी यू कैन से 12 बजे तक जो क्लासेस है, 12 से 1 बजे तक की जो क्लासेस है वो आपकी YT पे देखने को मिलती है। इसके अलावा बाकी सभी क्लासेस है वो आपकी MyRaji India एप्लीकेशन पे यहाँ पे देखने को मिलती है। इन क्लासेस को लेने के लिए यहाँ पे आपको MyRaji India एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद में यहाँ से आप यू कैन से ये क्लासेस ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये सभी बेनिफिट्स है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ पिछला बैच है उसका भी रिकॉर्डेड वीडियोज है वो आपको देखने को मिलेंगे इसी प्राइस के अंदर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नोट्स बैच की, नोट्स बैच के अंदर आपको CPP SPP के साथ साथ यहाँ पे टॉपिक वाइज और यहाँ यू कैन से मिक्स प्रैक्टिस है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे बेटा यहाँ पे है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और अब बच्चा बोल रहा है सर आप हमें छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। दो दिन है हमारी क्लास है ऑफ थी, घर के अंदर, खुद के घर के अंदर यहाँ पे शादी थी और उसी वजह से 2 दिन का ऑफ है वो लेना पड़ा। लेकिन जैसा कि 1 दिन के अंदर हमने यहाँ पे लगभग 200 क्वेश्चन है वो फिनिश किए थे, तो वैसे ही 1 से 2 मैराथन अगर बीच के अंदर और निकाल लेंगे तो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पे यू कैन से मोर देन एक्सपेक्टेशंस है वो हम डिलीवर कर देंगे। हमारा 16 नंबर का सेशन आया है, लेकिन आप कंसीडर कर सकते हैं कि लगभग 22 to 23 सेशन है वो अभी तक हमारे अगर वैसे देखें तो कंप्लीट हो चुके हैं। कोर्स आपका बहुत परफेक्टली, स्मूथली और अच्छे से यहाँ पे कवर होगा, उस चीज़ का आप निश्चिंत रहिए बेटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे, बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य कौन सा है। बहुत सारे बच्चे MP बोल रहे हैं, जी नहीं, करेक्ट आंसर है वो है आपका राजस्थान। राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर भी अभी नीतीश बाबू है जो फिर से आए, उसके पहले बिहार है वो यहाँ पे NDA का पार्ट नहीं था, या यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट लीड जो ग्रुप है उसका पार्ट नहीं था, पहले अपोजिशन में था और उसी वजह से उन्होंने यहाँ पे कास्ट बेसिस अपने यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है क्या क्या नहीं उन चीज़ों को रिव्यू करने के लिए वहाँ पे जाति बेसिस सर्वेक्षण है वो करवाया गया। सेम पैटर्न है यहाँ पे, अभी प्रेजेंट के अंदर BJP सरकार है, इससे पहले राजस्थान सरकार में, राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी और उस टाइम पे गहलोत ने भी यहाँ पे ये काम है वो किया था बेटा और अपना सर्वेक्षण है वो करवाया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। भद्रवाह राजमास और सुलई शहद जिसे भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है किस राज्य में स्थित है। सुलई शहद और भद्रवाह राजमास है वो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है बेटा। जियोग्राफिकल टैग का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये किसको मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है। अब आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कश्मीर के सेब है, एक जियोग्राफिकल टैग मिल चुका है, एक उस चीज से पॉपुलरिटी हो चुकी है। वैसे सेब है आपके शिमला के भी आते हैं, नॉर्थ इंडिया में जहां पे भी आपका टेम्परेचर लो रहता है वहां पे सेब एप्पल है इजीली अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हम जियोग्राफिकल टैग से जैसे कश्मीर से केसर का नाम आते ही कश्मीर है उसका यहाँ पे जिक्र हो जाता है, उसको वहां पे एक तरह से जियोग्राफिकल टैग मिल चुका है और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर चुका है कि ये जो आपका केसर है वो कश्मीर के नाम से ही जाना जाएगा, तो सेम है वो इसके लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे, और इसी के अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैं अगर काट के यहाँ पे चेहरा पूंजी कर दूं तो क्वेश्चन है वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन को काट के मैं यहाँ पे चेहरा पूंजी कर देता हूँ, फिर आपको ऑप्शन टिक करना हो तो और मुश्किल हो जाएगा। भारत में मेघालय राज्य में निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा है वो होती है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, और यह आपका कहाँ पे होती है, मासिनराम में, मासिनराम में सबसे ज्यादा होती है और चेरापूंजी में है सेकेंड हाइएस्ट होती है, सेकेंड हाइएस्ट होती है, तो यह आपका मासिनराम सबसे हाईएस्ट मासिनराम में और सेकंड हाईएस्ट वो आपकी चेरापूंजी में आती है। ऑप्शन यहाँ पे चेरापूंजी आने पे मैक्सिमम बच्चे चेरापूंजी को ही टिक करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन है वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा। देखिए फटाफट से यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी समिति पॉलिसी रेपो रेट तय करती है,
रेपो रेट है वो कौन सी समिति है वो देखती है, क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पे। तो ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो रेपो रेट देखती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएसजीडी के अंदर, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि रेपो रेट क्या होती है। ये आपका आरबीआई है, ये आपका आरबीआई है और ये आपका एसबीआई या एचडीएफसी जो भी बैंक है वो मान लीजिए रिटेल बैंक मान लीजिए, इसको जिस इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे लोन दिया जाता है वो कहलाती है आपकी रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट है वो यहाँ पे, रिवर्स रेपो रेट है वो होती है अगर यहाँ पे इन बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो गया तो वो यहाँ पे इसको वापस आरबीआई के पास जमा करवाए, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीजें रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट हो ध्यान रख लिया आपने। पॉलिसी जो कौन सी पॉलिसी सॉरी समिति है वो पॉलिसी रेपो रेट तय करती है, वो मौद्रिक नीति समिति देखती है बेटा यहाँ पे। और उसी के साथ में यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन कमेटी, रेगुलेशन कमेटी या इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च कमेटी, ये तीनों नहीं है, मौद्रिक नीति समिति वो करेक्ट आंसर है बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, ये कौन है यहाँ पे आपके आरबीआई गवर्नर, तो वो भी आपको जरूर ध्यान रखना है, शक्तिकांत दास है जिनको इंटरनेशनली बेस्ट गवर्नर का बेस्ट सेंट्रल गवर्नर का अवार्ड है वो भी आपको मिला है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। कोई बच्चा है सोच रहा दो दिन से क्लास के बाद में दो दिन से क्लास नहीं हो रही तो आज भी वो नींद में हो तो उनको जगाइए कि यहां पे क्लास है वो चल रही है आपकी। किस संस्था ने एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम है वो शुरू किया है, कौन सी संस्था है, कौन सी मिनिस्ट्री है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। तो यह आपकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उन्होंने यहाँ पे ये कार्यक्रम है वो शुरू किया है। हेरिटेज की जहां पे जिक्र आ जाए, विरासत की जहां पे जिक्र आ जाए वह आपका पुरातत्व विभाग ने इस पे काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैं बोल भी रहा था अभी किस तरह के क्वेश्चन है वो आए भी हैं, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स है, अलग अलग शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विनियम बिलो या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से बुनाने के लिए तैयार है उसे क्या कहते हैं, है इंग्लिश के अंदर ये पढ़ो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि इसका हिंदी से ज्यादा बेटर तरीके से इंग्लिश में समझ में आ रहा है। द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू परचेज और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ द एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाती है जिस रेट पे यहाँ पे बैंक उन चीजों को खरीदता है, या आपकी बैंक रेट या आपका बैंक दर कहलाती है। रेपो रेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिवर्स रेपो रेट है वो यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैश रिजर्व रेशियो है वो हो गया जिसके अंदर आपके पास आरबीआई के पास कितना कैश रिजर्व है, कितना यहाँ पे उसको मार्केट में रिलीज कर रखा है बेटा। यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो है, इसके अंदर यहाँ पे आरबीआई के पास जब जब कैश एक लिमिट से ज्यादा रिजर्व हो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाने के लिए यहाँ पे दे देता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मल्टी एजेंसी सेंटर केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, कौन सी मिनिस्ट्री से संबंधित है मल्टी एजेंसी सेंटर, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। और करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और यहां पे इसके चीफ या मंत्री कौन है, तो ये होम मिनिस्ट्री कौन है, अमित शाह है बेटा। और अमित शाह का यहाँ पे जो बेटा है जय शाह वो क्या है, सेक्रेटरी है बीसीसीआई के। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है, यह है आपके अमित शाह के बेटे जय शाह। वित्त मंत्रालय है निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन। अब इस पे आपके दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट वित्त मंत्री पूछा जा सकता है, उसके साथ साथ यहाँ पे वित्त मंत्री है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल कहाँ पे, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी पे आपके क्वेश्चन पिछली बार भी आए हैं, तो जीएसटी काउंसिल है उसका, जीएसटी काउंसिल हेड, जीएसटी काउंसिल के हेड है वो यहाँ पे कौन होता है आपका, फाइनेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पे होता है। एक क्वेश्चन आपके एसएससी में ये भी पूछा गया है जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी डे है, उसे 1 जुलाई को जीएसटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी है वो लागू हुआ था बेटा। तो ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन है वो बन सकता है। ठीक है, विदेश मंत्रालय है वो भी आपका एस जयशंकर साहब है वो इनके चीफ है या मिनिस्टर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो बेटा यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन। किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में शीर्ष पे है,
है? कौन से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है उसका नजरिया चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड से 2003 के अनुसार किसको बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिला है, ये नहीं, रूप चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि बेस्ट सेंट्रल गवर्नर का अवार्ड है वो यहाँ पे शक्तिकांत दास को। यहाँ पे आरबीआई चीफ कौन है, यहाँ पे आरबीआई चीफ शक्तिकांत दास, इनको यहां पे ये बेस्ट सेंट्रल गवर्नर का अवार्ड भी मिला है बेटा। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए फटाफट से यहां पे निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की कोटले और जलाओ विधि अपनाई जाती है, जिसको झूम कृषि भी कहते हैं, झूमिंग खेती भी कहते हैं, जिसको झूम खेती भी कहते हैं। जहां तक मुझे लगता है गौरव सर है वो इस पोर्शन को कवर करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लीजिए कि इस विधि को क्या कहते हैं यहाँ पे, और ये क्यों की जाती है कि यहाँ पे जलाया खेती की, 2-3 साल खेती की, फिर इसको छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पे खेत को जलाया रेडी किया और वहां पे फिर क्या है खेती की, ये 2-3 साल पड़ी रहेगी, उसके बाद में फिर से यहाँ पे खेती की जाएगी। तो ये किस लिए किया जाता है, क्या रीजन है यहाँ पे, ये नॉर्मल हर किसान का बेटा इस चीज को समझ जाएगा कि यहाँ पे इसकी उर्वरता जो कैपेसिटी है, हैं वो आपकी ऑर्गेनिक पावर है वापस से रीगेन करने के लिए उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है बेटा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उम्मीद दिशा निर्देश जारी किए हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उम्मीद दिशा निर्देश है वो जारी किए हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, और करेक्ट आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो फटाफट से, भारत के पहले 2 फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के मेजबान कौन से शहर है, एक तो ऑब्वियसली आपका भुवनेश्वर आएगा और दूसरा वाला कौन सा है, यहाँ पे गुवाहाटी है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी फुटबॉल अच्छा खासा पॉपुलर है, तो भुवनेश्वर और गुवाहाटी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका कहाँ पे हो रहा है, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश है वो आपका यूएसए, यूएसए कनाडा और मेक्सिको, ये 3 है, इनके अंदर यहां पे 2026 का होगा। और 2022 का कहां पे हुआ था बेटा, यहां पे कतर के अंदर हुआ था, विजेता कौन था, विजेता कौन था, अर्जेंटीना था, ठीक है, उपविजेता कौन था, उपविजेता था यहां पे ये था फ्रांस, है ना, और मेसी साहब कहां से थे, अर्जेंटीना से थे, मियां पे, जिनको यहां पे बेस्ट गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था, और उपविजेता जिनको गोल्डन बूट मिला था वो थे यहां पे फ्रांस से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो बेटा यहां पे मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहले महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, और करेक्ट आंसर क्या है, यह आपका रितु खंडूरी, रितु खंडूरी, देखिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे, 2023 में भारत अमेरिका 2+2 बैठक का मेजबान कौन सा शहर है, 2+2 का मतलब होता है कि टॉप टू मिनिस्टर, अब इस टॉप टू मिनिस्टर के अंदर यहां पे डिपेंड करता है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, यू कैन से हाँ फॉरेन मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल मिनिस्ट्री आप बोल सकते हो, जिसके एस जयशंकर साहब चीफ है, वो तो मस्ट होती है, और उसके साथ साथ आप या तो डिफेंस को ले सकते हो या फाइनेंस को ले सकते हो, जिससे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे जो भी तामझाम या जो रेगुलेशन से रिलेटेड चैलेंजेस आए उनको यहाँ पे सॉर्ट आउट करने का काम करती है, और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना तो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में, और यहाँ पे आपको यू कैन से कि जो वित्त विभाग को डिफेंस वो बनाना है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर 2+2 मीटिंग करती है। इस तरह की मीटिंग है वो हमने यहाँ पे नई दिल्ली की, अमेरिका के साथ में तो है वो नई दिल्ली में होस्ट की है, इस तरह की मीटिंग है वो हम यहाँ पे जापान के साथ में भी करते हैं, रशिया के साथ में भी करते हैं, और फ्रांस के साथ में भी करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो फटाफट से यहाँ पे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में नजर आए अविनाश साबले किस खेल से जुड़े हुए हैं,
अविनाश साबले साहब है, वो कौन सा खेल है वो खेलते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 14 आपकी स्क्रीन पे, और ये आपका स्टिपल चेज बोलते हैं इसको, स्टिपल चेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी है, तीरंदाजी से कौन है बेटा यहाँ पे, जिसको यहाँ पे आप अभी रिसेंटली गोल्डन शीतल कुमारी जो यहाँ पे पैरा एशियन गेम्स के अंदर यहाँ पे क्या लेके आई, गोल्ड लेके आई है, और इसको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है बेटा यहाँ पे। शूटिंग से पैरा ओलंपिक्स गेम्स के अंदर यहाँ पे अवनी लखारा ने गोल्ड जीता था बेटा, अवनी लखारा ने गोल्ड जीता था पैरा ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र अमोनियम क्लोराइड है? हैं तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, वो किसका है, अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है, और कितना बेसिक क्वेश्चन है वो पूछा गया है। आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, एक तरीके से वैसे पूछा, फॉर्मूला ही पूछ ले यहाँ पे, इसको बोलते क्या है, कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। और उसी के साथ में यहाँ पे आपका पोटेशियम नाइट्रेट है जो बारूद के लिए यूज किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, KNO3 बोलते हैं, KNO3 है वो बोलते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है SiO2 हो गया, सिलिका जिसको ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। उसी के साथ साथ यहां पे एक सेकंड बेटा, कार्बोनिल क्लोराइड है वो क्या बोलते हैं, COCl2 बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस संस्था ने भारत में सीमेंट क्षेत्र पर बाजार अध्ययन शुरू किया है, किस संस्था ने भारत में सीमेंट क्षेत्र पर बाजार अध्ययन, मार्केट स्टडी ऑन द सीमेंट सेक्टर है वो शुरू किया है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, और करेक्ट आंसर क्या है, यह आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नीति आयोग है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, 1 जनवरी 2015 को ये लागू हुआ, इससे पहले योजना आयोग है वो हुआ करता था बेटा यहाँ पे, है। RBI के बारे में बात कर चुके हैं, ये क्या है आपका, है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप बोल सकते हो। किंजल मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश द्वारा विकसित की गई, ये किंजल मिसाइल है वो कौन से देश ने विकसित की और क्यों खबरों में देखने को मिल रहा है, रशिया है, काफी सुपरसोनिक, सुपरसोनिक से यहाँ पे, या यू कैन से कि जो मैक हवा की जो ध्वनि है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल ये मिसाइल है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 के अंदर है ये किंजल मिसाइल है वो रिसेंटली रशिया ने बिल्ड की थी, और उसको अभी जब जो आपकी कीव है जो यूक्रेन की कैपिटल है उसको जब रशिया ने टारगेट किया तो अमेरिकी जो डिफेंस सिस्टम है उसने उसको यहाँ पे मार गिराया था, और उसी वजह से ये खबरों में देखने को मिली थी बेटा यहाँ पे। देखिए भगवंत मान साहब है उनको कौन भूल सकता है, तो ये यहाँ पे किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, ये क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार आ चुका है, केजरीवाल साहब को पूछा जा रहा है, भगवंत मान के बारे में पूछा जा रहा है, है? आपके यूपी के गवर्नर पूछे जा रहे हैं, यूपी के सीएम पूछे जा रहे हैं, तो इससे बेसिक क्या हो सकता है, इससे बेसिक आपका क्या हो सकता है, ठीक है भाई सर कुछ काम आ गया है बेटा यहाँ पे, काम यहाँ पे एक ही कर सकते हो जिंदगी के अंदर, या तो पढ़ाई कर सकते हो या काम कर सकते हो, कम से कम लाइव क्लासेस के टाइम पे तो क्लास लो, क्योंकि बाद में वो काम ही रहेगा, आपकी लाइव क्लास का जो कंटेंट मिस हो गया वो उसको आप रिकवर नहीं करोगे किसी भी हालत के अंदर, और फिर ये चीज होती है, अभी फोकस करो स्टडी पे बेटा, अगर सिलेक्शन लेना है एग्जाम सर पे है, 10-15 दिन के बाद में एग्जाम शुरू हो जाएगी आपकी, और उसके बाद में कैसे पढ़ाई करेंगे बेटा यहाँ पे। देखिए किस संस्थान ने हंगर, बेटा यहाँ पे आप इतना हैंड्स अप कर रहे हो, आपकी पूरी लिस्ट दी हुई है मेरी, और उसके साथ गौरव सर ने तो दो सेशन ले लिए हैं, हैं, या आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, आपको पूरी डिटेल्स है, पूरी की पूरी चीजें दे रखी मैंने, समझ रहे हो। किस संस्था ने हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, किस संस्था ने हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, और करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड, FAO और नाबार्ड मिलके यहाँ पे आपकी हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट है वो जारी की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार स्टम टेल्ड मकाक की संरक्षण स्थिति क्या है,
व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्टम टेल्ड मकाक एज पर द IUCN रेड लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 20। और करेक्ट आंसर क्या है बेटा यहाँ पे, यह है आपका वेलनरेबल या कमजोर। वेलनरेबल का मतलब होता है कि जो डैमेज हो सकता है या क्षतिग्रस्त हो सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे किसने शुरू की थी, यहाँ पे राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने। लेकिन ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे लिटरली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्वेश्चन आ गया। भारत जोड़ो यात्रा है वो यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने, यहाँ पे कांग्रेस सरकार क्या, कांग्रेस ने यहाँ पे शुरू की थी, राहुल गांधी ने स्टार्ट की थी। और ये कहाँ से की थी, यहाँ पे केरला से स्टार्ट की थी, केरल से स्टार्ट की थी। आप केरला ना बोल के केरल बोल दीजिए। और उसी के बाद में यहाँ पे कहाँ पे जाके प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे। और ये यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर है, वो प्रियंका गांधी ने इसको जोड़ा था या इसके अंदर जुड़ी थी। मुझे सेशन सेव होने के बाद में कितने बच्चे कमेंट करते हैं वो चीज देखना चाहता हूँ। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया है तो अब की बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट से कौन सी यात्रा अभी शुरू की है ना। यहाँ पे अभी फिर से राहुल गांधी ने अभी कमेंट नहीं करना है। और यहाँ पे राहुल गांधी ने अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के अंदर से यहाँ पे कौन सी यात्रा शुरू की है, जिसमें हेमंत बिस्वा के उनके बीच में काफी ज्यादा नोकझोंक भी अभी चल रही है। यह भी क्वेश्चन है, बिल्कुल यहाँ पे यह भी क्वेश्चन है बेटा। बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो किस संस्थान को दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22। और करेक्ट आंसर क्या है बेटा यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI इसको बोलते हैं बेटा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट उद्धव का आयोजन कौन सी संस्था करती है, इंडियन आर्मी, RBI, सेबी या नीति आयोग। प्रोजेक्ट उद्धव है वो कौन सी संस्था यहाँ पे देखती है, तो यह है आपका इंडियन आर्मी। एक वर्ड में यूज करूं इंडियन आर्मी, एक वर्ड यूज करूं मैं इंडियन मिलिट्री, दोनों के अंदर रात दिन का फर्क है। मैं उम्मीद करूं आप समझ रहे होंगे, इंडियन आर्मी का मतलब तो है भारतीय मिलिट्री की तीन ब्रांचेस है आपका, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, या जिसको आप आर्मी को थल सेना भी, भारतीय थल सेना, भारतीय सेना की बजाय आप भारतीय थल सेना बोल सकते हैं। जैसे जल सेना नेवी होगी और वायुसेना है वो आपकी एयरफोर्स हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के निम्नलिखित मौद्रिक लिखितों में से कौन सी प्रकृति में गुणात्मक है। RBI विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स इज द क्वालिटेटिव इन नेचर, मोरल सोजन, सुएसन या कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट या ओपन मार्केट, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे। और करेक्ट आंसर है ये आपका मोरल सुएसन। अब ये यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, एक के अंदर रेपो रेट पूछेगा, एक के अंदर ये चीज पूछ ली गई, एक के अंदर जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया आपकी शिफ्ट के अंदर कि एक देश से दूसरे देश के अंदर जो पैसे के ट्रांजेक्शंस करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कौन देखता है, तो वो विनियामक दर होती है। और उसको देखता कौन है यहाँ पे, उसको RBI देखता है ना। तो ये क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो चीजें हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ जाता है। शिफ्ट शिफ्ट की बात है। गिफ्ट सिटी IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला जीवन बीमा कंपनी कौन सी है। आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं मैं और कई बार बोल चुका हूं, गिफ्ट सिटी है जो गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद से बाहर थोड़ा सा निकलते ही गिफ्ट सिटी एक नया सिटी बनाया जा रहा है। और ये गिफ्ट सिटी आने वाले 10 साल से 15 साल के बाद में इंडिया की आर्थिक कैपिटल आप मान सकते हो। प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर है, हम यहाँ पे मुंबई को अपनी आर्थिक कैपिटल मानते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे गिफ्ट सिटी है वो यहाँ पे इंडिया की एक लीडिंग सिटी के रूप में है वो काम करेगा बेटा। तो IFSC है पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे। और यह आपका इंडिया फर्स्ट लाइफ, इंडिया फर्स्ट लाइफ यहाँ पे गिफ्ट सिटी है। इसके अंदर यहाँ पे NDB का ब्रांच भी है, NDB या न्यू डेवलपमेंट बैंक या जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं की शाखा भी है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। KN शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बेटा क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे। और करेक्ट आंसर क्या है, यह आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था,
अर्जुन पुरस्कार है वो कौन से साल के अंदर है, वो शुरू किया गया था, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे, और ये कब किया गया था 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कार के अंदर। अभी यहां पे 2023 के दो नाम जरूर याद रखने हैं आपको, शीतल कुमारी और यहां पे मोहम्मद समी क्रिकेट से हैं, शीतल कुमारी है तीरंदाजी से है बेटा। यहां पे एक और क्वेश्चन है वो है आपका कि जो आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड है या यू कैन से राजीव गांधी अवार्ड है उसको आज की डेट के अंदर हम किस नाम से जानते हैं, मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जानते हैं बेटा। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो फटाफट से, यहां पे क्या है क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई थी, भारत पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो कब शुरू की गई थी, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे, और करेक्ट आंसर क्या है बेटा यहाँ पे, ये आपका 2020 में। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पैटर्न पे यहाँ पे एम नरेगा कब स्टार्ट हुआ था, 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ था, और एम नरेगा है यहाँ पे आपका SSC के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है बेटा यहाँ पे, ठीक है। मोहम्मद मोइज को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, और यहां पे मोहम्मद मोइज, और ये कोविड भी आया था, कोविड आया इसीलिए यहां पे ये प्रधानमंत्री अन्न योजना है वो शुरू की गई थी, जिसमें 2 रुपए किलो है वो चावल वगैरह या वो देने शुरू किए गए थे। तो मोहम्मद मोइज को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, क्वेश्चन नंबर 29, और करेक्ट आंसर क्या है बेटा यहाँ पे, यह आपका मालदीव, करेक्ट आंसर क्या है बेटा यहाँ पे, यह आपका मालदीव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे खालिस्तान इज एन इंडिकेशन ऑफ द टोटल बोरोइंग रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यहाँ पे दो सिनेरियो के अंदर आप क्वेश्चन को समझिए कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार एक संकेत है, आप उधारी कब लेते हैं, आप घर के अंदर यहाँ पे उधारी कब लेते हैं, जब घर में पैसा पड़ा होता है तब कोई उधार लेता है क्या है, तो उधारी कब लेते हैं, उधारी हम तब लेते हैं जब हमारे को यहाँ पे क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट जनरेट होता है, राजकोषीय घाटा होता है। इसका मतलब राजकोषीय घाटा कब होता है, जब यहां पे इंपोर्ट या आयात है वो यहां पे ग्रेटर देन निर्यात, आयात है वो निर्यात से ज्यादा हो जाए उसको यहां पे क्या कहते हैं हम, यहां पे आयात जब निर्यात से ज्यादा हो जाए तो उस सिनेरियो के अंदर यहां पे फिस्कल डेफिसिट है वो जनरेट होता है बेटा यहां पे। ठीक है बेटा, तो ये आपकी क्या है, ठीक है, उसके बाद में यहां पे क्या है, यहां पे राजकोषीय घाटा है, इसके रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन है वो आपकी कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां पे कि आप डेफिनेटली है इन क्वेश्चंस को रिवाइज जरूर कर रहे हैं, और रिवाइज करने के लिए यहां पे कैसे, यहां पे ये तो आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस के बाद में ये आपका मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट के अंदर भी आपके कंप्लीट जो YTP क्लासेस होती है उनके सॉल्यूशन नोट्स है वो यहाँ पे मिलते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट के साथ में यहाँ पे 80+ CPP चैप्टर प्रैक्टिस पेपर है विथ सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, विथ सॉल्यूशन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। विथ सॉल्यूशन का मतलब कि हर चैप्टर है उसका फिल्टर आउट क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन सहित यहाँ पे आपको, और 30 क्वेश्चन हो SPP सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर, जैसे आप मैथ्स की बात करो एलजेब्रा कंप्लीट हुआ, आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुई, तो उनके यहाँ पे समरी क्वेश्चन से वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका 599 के अंदर, इसके अंदर एक और चीज है कंप्लीट सेतु बैच, इसका मतलब क्या हो गया, 700-800 मॉक टेस्ट है, 700 से 800 मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे आपको किसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ 599 के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं बेटा यहाँ पे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए हमारे हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, और इसके ऊपर यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेकिन एक बार अपना फीडबैक जरूर, और क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्लास सेव होने के बाद में मुझे राहुल गांधी ने अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट से कौन सी यात्रा शुरू की है, उसके ऊपर कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएंगे। SSGT में आया हुआ क्वेश्चन है आपका भारत जोड़ो यात्रा का, तो अभी वाली यात्रा पे भी क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।